सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में कुछ गार्ड्स एक मरीज के परिजनों से मारपीट करते हुए दिख रहे हैं और उसका जबरदस्ती मोबाइल छीनते हुए भी दिख रहे हैं, जबकि बगल में ही स्ट्रेचर पर मरीज लेटा हुआ है। इतना ही नहीं, जूनियर डॉक्टर भी तीमारदार को थप्पड़ मारता नजर आ रहा है। ये मामला कानपुर के हैलट हॉस्पिटल का है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मरीज बेड पर लेटा था, फिर भी गार्ड्स उसके परिजन से मारपीट करते दिखे। मारपीट की गई, फिर मोबाइल छीन लिया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि महिलाएं गार्ड से मोबाइल और अपने मरीज के साथ आए उसके परिजन को बचाने की कोशिश करती हैं, तो इसी दौरान जूनियर डॉक्टर भी परिजन को थप्पड़ मारता नजर आ रहा है। मरीज के साथ में मौजूद महिलाएं रोती हुई भी नजर आ रही। इस दौरान मरीज के शरीर में लगी ग्लूकोज की बोतल इधर उधर लहराने लगी, लेकिन अस्पताल के प्रशासन को इसकी कोई परवाह नहीं थी, जबकि मरीज के परिजन चिल्ला चिल्ला कर अपने मरीज को बचाने की कोशिश करते रहे। अस्पताल के अंदर का ये वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और ये जमकर वायरल हो रहा है। इस अस्पताल में मारपीट की पहले भी दर्जनों घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिन पर जांच हो चुकी है। कई बार डॉक्टरों पर भी आरोप लग चुके हैं। इस मामले में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला का कहना है कि इस मामले में जाँच की जा रही है, मामले पर कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन वायरल वीडियो के आधार पर उस गार्ड से पूछताछ कर मामले की जांच कराई जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। ये वीडियो हमें कानपुर से हमारे सहयोगी रंजय सिंह ने भेजा था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। यूपी की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।